कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर एच के भलंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, इसके कॉज, सिम्टम्स, साइन एंड डायग्नोसिस और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अस्थमा एक कॉमन क्रोनिक एयरवे डिसऑर्डर है। इसमें जो एयर फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इसी को हम अस्थमा अटैक कहते हैं। तो हम देखते हैं कॉज ऑफ अस्थमा, इसका क्या कारण है। जब पेशेंट किसी ट्रिगर से या किसी एंटीजन के संपर्क में जाता है, जैसे डस्ट पार्टिकल हुआ, ये ट्रिगर है, एक तरह के अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। इस रिलीवेंट एंटीजन ट्रिगर की वजह से बॉडी में हिस्टामिन, न्यूट्रोफिल या टी सेल्स बनती है और इसी से अस्थमा का अटैक होता है। इसके साइन ऑफ सिम्टम्स में हम देखते हैं कि इसमें वीजिंग होती है, चेस्ट टाइटनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है और कफिंग होती है, ड्राई कफ हो सकता है, वेट कफ और प्रोडक्टिव कफ हो सकता है। इसका कन्वेंशनल जो ट्रीटमेंट है, जो मॉडर्न मेडिसिन में ट्रीटमेंट है, उसमें स्टेरॉयड दिया जाता है, एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, ल्यूकोट्राइन से दिया जाता है या एंटी आईजीई, इस तरह की मेडिसिन से दी जाती है। इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके इनसे बचना चाहिए और आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में अस्थमा के लिए सबसे पहली मेडिसिन है नट्रम सल्फ। नट्रम सल्फ ऐसे पेशेंट को, मतलब कि जो चिल्ड्रन पेशेंट, अस्थमेटिक चाइल्ड पेशेंट होते हैं, उनमें नट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट जिनमें हेरेडिटी अस्थमेटिक है, तो उनके माता पिता को भी थी, बच्चों को भी है, ऐसे पेशेंट में नट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, क्रोनिक अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन ऑफ अस्थमा आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ऑल फॉर्म ऑफ अस्थमा, जैसे एक्यूट हुआ, क्रोनिक हुआ, सभी में उपयोग कर सकते हैं। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, रेस्टलेसनेस पाई जाती है, पेशेंट को चैन नहीं पड़ता है, सफोकेशन पाया जाता है, ऐसे पेशेंट में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। चाइल्ड अस्थमेटिक केस में आप सेम्बुकोज भी बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे पेशेंट जब बच्चे सोते तो है, लेकिन जब उठते हैं वो अस्थमा के अटैक की वजह से उठ खड़े होते हैं, मतलब जब उनकी नींद खुलती है तो अस्थमा की वजह से नींद खुलती है, ऐसे पेशेंट को सेम्बुकोज दिया जा सकता है। ये क्रोनिक केस में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है काली बाइक्रोम। ऐसे पेशेंट जिसको अस्थमा अटैक जब सोता है तब बहुत अस्थमा अटैक होता है, वो उसको उठ के बैठना ही पड़ता है, तब थोड़ा उसको शांति मिलती है, या फिर बेंडिंग फॉरवर्डिंग आगे झुकता है तब थोड़ी शांति मिलती है। इन पेशेंट का अटैक मतलब जो मिडनाइट है, आधी रात के बाद ज़्यादा होता है, ऐसे पेशेंट को आप काली बाइक्रोम दीजिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंटालिस दो केसेस में, एक्यूट केस में भी काम करती है, क्रोनिक केस में। एक्यूट केस में हम इसका लोअर पोटेंसी यूज करते हैं, जैसे मदर टिंचर हुआ या फिर 3x, और क्रोनिक केस में हम 200 या 1000 पोटेंसी का यूज करते हैं। जब रेनी सीजन में अस्थमा का अटैक बढ़ जाता हो, या फिर जिस अस्थमा में जो म्यूकस निकलता है वो पस के कलर का हो, पस लाइक म्यूकस हो, उसमें ब्लाटा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है केसिया सोफेरा। अगर डस्ट की वजह से अस्थमा हुआ हो, विंटर सीजन की वजह से एग्रावेशन हुआ हो अस्थमा में, या फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हुआ हो, अस्थमा एसोसिएट विद इचिंग, ऐसे पेशेंट में आप केसिया सोफेरा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। अगर पेशेंट रेटलिंग चेस्ट हो, मतलब कि चेस्ट में रेटलिंग की आवाज आए, चेस्ट फुल ऑफ म्यूकस हो, ऐसा लगा कि म्यूकस भरा हुआ है चेस्ट में, लेकिन एक्सपेक्टोरेशन में बिल्कुल थोड़ा सा म्यूकस निकले, ऐसे पेशेंट में एंटीमोनियम टार्ट बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेंडेलिया रोप। ऐसे पेशेंट जो जब सो जाते हैं तो वो बिल्कुल सांस लेने में असमर्थ होते हैं, उनको अस्थमा अटैक होता है, उनको उठकर बैठना ही पड़ता है, जब उठ के बैठते जाते हैं तब आराम से सांस ले सकते हैं, ऐसे पेशेंट को ग्रेंडेलिया दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। ऐसे अस्थमेटिक पेशेंट जिनको अस्थमा के साथ साथ गेस्ट्रिक कंप्लेंट भी है, फुलनेस ऑफ स्टमक, ऐसा लगता है कि स्टमक भरा हुआ है, गेस्ट्रिक कंप्लेंट है, साथ में पेट की भी समस्या है और अस्थमा भी है, ऐसे पेशेंट को नक्स वोमिका दीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। एंड लास्ट मेडिसिन अस्थमा अटैक की है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा
लंग के लिए आप टोनिक, एक तरह का इसका उसको बोलते हैं कि ये टोनिक है लंग के लिए, एस्पिडोस्परमा। एस्पिडोस्परमा क्या करता है कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसके स्टिमुलेशन को कम करता है, उसको शांत करता है। और एस्पिडोस्परमा इज वेरी यूजफुल इन कार्डियक अस्थमा, मतलब अस्थमेटिक पेशेंट हो और उसके साथ साथ कार्डियक प्रॉब्लम भी हो, ऐसे पेशेंट को एस्पिडोस्परमा बहुत अच्छा 100% रिजल्ट दे देती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन से हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और अपने सिम्टम्स के अनुसार होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन करें। थैंक यू।